नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा, और सबसे पहले खबर आपको उज्जैन से बता रहे हैं। उज्जैन में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उज्जैन में कोरोना के 4 नए मरीज सामने आए हैं। उज्जैन में कोरोना मरीजों की संख्या 241 हो चुकी है। तो उज्जैन में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने इलाके को पूरी तरीके से सील किया। तो उज्जैन में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, उज्जैन में 4 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 241 हो चुकी है और अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 4 नए मरीज सामने आए हैं, 241 कुल संख्या है मरीजों की और 45 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो हॉटस्पॉट एरिया मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल और उज्जैन भी हॉटस्पॉट की श्रेणी में है, लेकिन बाकी के दो और जो जिले हैं उनके तुलना में भले ही उज्जैन में मरीज कम हो, लेकिन मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। यानी 241 में से अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है उज्जैन में। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार विजय नेमा फोन लाइन पर जुड़ गए। विजय, 241 में से 45 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 4 और नए मरीज सामने आ गए हैं, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, कैसे निपट रहा है? जी, बताना चाहूंगा पूछना के प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि मौत का अगर उज्जैन में बात करें तो पूरे देश में मौत का आंकड़े उज्जैन में सबसे अधिक है और मौत चिंता का विषय है प्रशासन के लिए। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और प्रशासन इसके लिए कई कदम उठा रहा है। जी पूछ रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विजय। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज नीमच में कोरोना के 15 नए मरीज सामने आए। वही खरगोन में एक साथ ही बड़वा में गुजरात से आए 7 मजदूरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इधर झाबुआ में भी कोरोना का एक मरीज मिला है। वहीं आज फिर से खंडवा में 3 नए केस सामने आए। इधर सागर में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं धार जिले में 7 नए मामले सामने आए, इसमें धार शहर में 2 नए और कुक्षी में 5 नए पॉजिटिव मरीज हैं। वहीं अब मंडला में भी कोरोना का पहला मरीज मिल गया है और ये नागपुर में काम करता था, 5 मई को ही मंडला आया हुआ था। बुरहानपुर में आज कोरोना के 5 नए मरीज सामने आने के बाद जबलपुर में एक व्यक्ति की मौत के बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। वहीं सिवनी में भी एक मरीज मिला है जो 4 दिन पहले ही गुजरात से लौटा था।